नमस्कार, नवोदय प्लस साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सगीना। आइए देखते हैं आज की यह एक और ताजा खबर। जनपद झांसी के कस्बा थाना बबीना अंतर्गत झांसी ललितपुर रोड पर सुकमा ढुकमा तराहे के पास बजाज एजेंसी के सामने आज दोपहर करीब 1 बजे झांसी से ललितपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने सुकमा ढुकमा की तरफ से आ रहे एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार लहूलुहान होकर गिर पड़ा, जिसे राहगीरों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबीना उपचार के लिए ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि आज दोपहर करीब 1 बजे झांसी ललितपुर रोड पर सुकमा ढुकमा तराहे के पास बजाज एजेंसी के सामने बबीना का ही एक बलेनो कार चालक तेज रफ्तार कार चलाकर ललितपुर की ओर जा रहा था, जहां सुकमा ढुकमा की ओर से आ रहे बाइक सवार 50 वर्षीय दान सिंह पुत्र सधीर सिंह निवासी सुकमा ढुकमा रोड थाना बबीना को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा, जिससे राहगीरों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबीना उपचार के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जानकारी मिलते ही बबीना थाना के उपनिरीक्षक आदेश कुमार और कांस्टेबल मुंशी भानु प्रताप, होमगार्ड मुकेश व विकास ने कार सवार चालक का पीछा किया तो लंबी दूरी का फायदा उठाकर कार चालक अपनी कार को गोवली रोड पर छोड़कर भागने में कामयाब हो गया। बलेनो कार का नंबर UP93AY0022 बताया गया है। वहीं पुलिस ने कार को अपने कब्जे में लेकर तथा मृतक के शव का परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस द्वारा कार चालक की तलाश की जा रही है। मृतक के परिजनों द्वारा अभी तक बबीना थाने में तहरीर नहीं दी गई है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से विजय वर्मा के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।